नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ तथ्यों को लेकर, जिसमें ज्योतिषीय आकलन हम देखेंगे कि कोरोना वायरस जो इस समय अपना कहर पूरी तरह से भारत के ऊपर बरपा रहा है, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, और क्या आने वाले जो महीने हैं, खासतौर से मई और जून का जो महीना है, वो हमारे को किस तरह से इंगित कर रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या स्थिति रहेगी आने वाले कुछ महीनों में, व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मृत्यु दर में क्या कमी होगी या नहीं होगी, इस बारे में मैं आज ज्योतिषीय आंकलन के थ्रू आपको बताऊंगा, और थोड़ी सी हिस्ट्री में भी लेके जाऊंगा कि क्या स्थितियाँ अभी जो बनी हैं वो उसकी क्या स्थितियाँ रहीं। तो बात करते हैं, शुरुआत 2019 से इस चीज़ की होती है। देखिए, अगर हम बात करें तो राहु और केतु जो हैं वो दोनों को संक्रमण होने की जो स्थितियां हैं वो ग्रह जो है उनको माना जाता है। गुरु जीव और जीवन का कारक ग्रह है और हम सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। जब भी गुरु और राहु या गुरु और केतु का योग बनता है तो ऐसे संक्रामक रोग, ऐसे बीमारियां फैलती हैं और इन पे समाधान पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। राहु के द्वारा होने वाली बीमारियों का समाधान आसानी से मिल जाता है, लेकिन केतु गुण एवं रहस्यवादी ग्रह माना जाता है, इसलिए जब ये बृहस्पति और केतु का योग बनता है तो ऐसी संक्रामक रोग होने की संभावनाएं जो हैं वो बनती ही बनती हैं, जिसका समाधान आसानी से नहीं मिल पाता। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की स्थिति इस समय यहाँ पर चल रही है। अब 29 थोड़ा सा हम 2019 मार्च में अगर हम चलें या मार्च में देखें 2019 के, तो केतु धनु राशि में चल रहा है, लेकिन 4 नवंबर 2019 को गुरु का प्रवेश भी धनु राशि में हो गया, जिससे गुरु और केतु का योग बन गया था जो रहस्य में ही संक्रामक रोगों को उत्पन्न करता है। 4 नवंबर को गुरु और केतु का योग शुरू होने के बाद कोरोना वायरस का पहला केस चीन में नवंबर के महीने में सामने आया था। नवंबर में गुरु केतु का योग बनने के बाद कोरोना वायरस की स्थितियां बनी थी। इसके बाद एक नकारात्मक ग्रह स्थिति बनी थी। 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण हुआ था, जिसमें कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में बदल गया। 26 दिसंबर को हुआ सूर्य ग्रहण सामान्य नहीं था, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण में 6 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध और केतु एक साथ छठ ग्रही योग बना रहे थे, जिसका ग्रहण पर नकारात्मक और तीव्र असर हुआ। भारत में इसका प्रभाव विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के रूप में देखा गया था। कुल मिलाकर नवंबर में केतु गुरु का योग बनने के पर कोरोना वायरस का पहला केस 26 दिसंबर 2020 के आसपास ही आपको देखने को मिला था। और ये स्थिति अभी ऐसी नहीं हुई, 1918 में भी ऐसी ही स्थिति हुई थी, जिसको स्पैनिश फ्लू के नाम से माना गया था। इस महामारी में दुनिया के करोड़ों लोग संक्रमित हुए थे और उस समय गुरु और केतु का ही योग बना था। 1991 में माइकल एंगल नाम का एक बड़ा कंप्यूटर वायरस सामने आया था, जिसने इंटरनेट और कंप्यूटर की फील्ड में काफ़ी हद तक तो प्रोफेशनल तरीके से नुकसान भी पहुंचाया था। 2005 में H5N1 के नाम से वर्ल्ड फ्लू फैला था, जिसमें गुरु और केतु का योग बना था। ऐसे में जब भी गुरु और केतु का योग बना है तो काफ़ी बड़े संक्रामक रोग और महामारियां सामने आई हैं। 2005 में भी बृहस्पति और केतु का योग बना था तो वर्ल्ड फ्लू सामने आया था और इससे काफ़ी नुकसान जो है वो हमें देखने को मिला था। अब ये देखते हैं कि आने वाले जो महीने हैं वो हमारे किस तरह से हैं, इसलिए इस वीडियो को ज्ञान के रूप में लीजिएगा और अपने आप को आइसोलेटेड रखिए, अपने आप को जो है बिल्कुल घर में रखिए और बिल्कुल कहीं पर भी आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कुछ तथ्य दिए थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ साथ आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको आई बटन में आप उसको देख सकते हैं। देखिए, दूसरा जो स्ट्रेन आया है, या कहूँ जो इस समय भारत में बहुत ज़्यादा कहर, जो दूसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही है। सिर दर्द, उंगली में दर्द होना, सारे शरीर में ऐंठन जैसी समस्याएं इस समय काफ़ी लोगों को हो रही है, और ख़ास तौर से जो 45 साल के ऊपर के लोग हैं, अभी वैक्सीनेशन उनका चल रहा है और 1 मई के बाद से 18 साल के ऊपर के जो वैक्सीनेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि खतरनाक स्थितियां आपकी बन रही हैं। देखिए, 30 अप्रैल के बाद ज्योतिषीय समीकरण कुछ ऐसी बन रही हैं जिसमें थोड़ा सा आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, और मई का जो महीना है उसमें
कुछ शहरों में आपको कोरोना की स्थिति कम देखने को मिलेगी और धीरे धीरे स्थितियां जो हैं वो कम आपको देखने को मिलेंगी, और 1 जून के बाद थोड़ा सा असर जो है वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। 1 जून के बाद कोरोना का असर काफ़ी तेज़ी से घटता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये आकलन काफ़ी जोशियों ने भी लगाया है और मैंने भी जब इसका देखा तो आप कह सकते हैं कि 1 जून के बाद कोरोना की स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है और कोरोना महामारी से मृत्यु दर कम हो सकती है और जीवन सामान्य रूप में तो नहीं आएगा, लेकिन 30 जून के बाद से आप कह सकते हैं कि जुलाई से थोड़ी सी स्थिति आपकी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में होने के कारण असाध्य बीमारियों का इलाज मिलना इस बार राहु और केतु के आविष्कार के मूड में है, और भारतीय वैज्ञानिकों को कोरोना महामारी के वैक्सीन में अधिक सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हिंदू नव संवर 2078 के राजा मंत्री मंगल होने के कारण कोई अमंगल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये कह सकते हैं कि 1 जून के बाद से स्थितियां बेहतर होंगी। अब उस प्रश्न पे आता हूँ जो कि लॉकडाउन के ऊपर जो बात कही जा रही है। देखिए, लॉकडाउन की स्थिति पूरी तरह से तो नहीं दिखती ज्योतिषीय आकलन में, लेकिन जहाँ जहाँ ज़्यादा असर रहेगा, जिन जिन प्रदेशों में असर ज़्यादा रहेगा, उन उन प्रदेशों में आप लॉकडाउन की स्थिति मान सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में भी 1 मई से आप देखेंगे कि सख्ती ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये पूरा साल 2021 का पूरा साल पढ़ाई के हिसाब से अच्छा नहीं जाएगा। बच्चों की पढ़ाई घर में ही रहेंगी और नौकरियों में भी इस समय स्थितियां उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आर्थिक रूप से ये साल और आने वाला साल 2022 उतना ज़्यादा से परिपक्व नहीं होगा, उतना मेजोरिटिक नहीं होगा। आपको जो नौकरी इस समय मिले आप उसे करिए, अगर घर से बैठ कर आपको नौकरी करनी पड़ रही है तो करिए उसको। इस समय आप कोई भी अपनी जिद लेकर ना चलें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्थितियाँ अभी ठीक तो होंगी, मृत्यु दर कम होगी, जो रेशियो है संक्रमण होने का वो कम हो जाएगा, लेकिन आर्थिक रूप से आपके ऊपर दबाव आएंगे, भारत के ऊपर दबाव आएंगे, और अभी भारत को बहुत ज़्यादा चीज़ों में यहाँ पर डील करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मानसून का समय आएगा, उसके ऊपर भी मैं प्रेडिक्शन दूंगा, तो आप ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मानसून का भी इफेक्ट आपके ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल भारतीय गवर्नमेंट का पूरा जोर इस लहर को रोकने पर रहेगा, खासतौर से मई का महीना काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो अपना ध्यान रखिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। जो भी जानकारी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो हो आपके लिए हित में हो। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।